ब्रेक में स्वागत है आपका। रुक करेंगे अगली खबर। बुधवार को बल्लभगढ़ बस अड्डा चौकी द्वारा एक विशेष अभियान चलाया गया जिसके तहत स्कूलों से बंक मार कर शहर के पार्कों में मटर गश्ती करने वाले स्कूली बच्चों को न केवल सख्ती से समझाया गया बल्कि उन्हें आगे से ऐसा करने की भी हिदायत दी गई। दिखाई दे रहा ये नजारा बल्लभगढ़ के नहासिंग पार्क का है। हालांकि ये पार्क महिला थाने और बस अड्डा चौकी के बीच है, लेकिन बावजूद इसके स्कूली बच्चे और अपने घरों से अन्य कार्यों के लिए निकले बच्चे अक्सर यहाँ मटर गश्ती करते नजर आते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक ऐसे आवारा किस्म के बच्चों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस समय समय पर कार्रवाई भी करती है, लेकिन बुधवार को बस अड्डा चौकी पुलिस ने ऐसे बच्चों को न केवल सख्ती से समझाया बल्कि उन्हें आगे से ऐसा ना करने की हिदायत भी दी। हम ना एक पार्क में घर से पढ़ने के लिए आते हैं, बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं, माँ बाप ऐसा खराब करते हैं, वो धोखा दे रहे हैं, माँ बाप को धोखा दे रहे हैं कि पढ़ने के लिए आ रहे हैं, पढ़ने नहीं आते। वो पार्क में बैठते गप्पे सप्पे हांकते हैं, कुछ खा पी के मटर गश्ती करके चले जाते हैं, माँ बाप की नज़रों में झोंक रहे हैं, उनको पैसा खराब कर रहे हैं। मैंने उनको डांटा भाई, अपने स्कूल में जाओ, पढ़ाई करो, पढ़ाई करने घर जाओ, यहाँ वहीं बैठने क्या फायदा है। पार्क में बैठने से कोई झगड़ा बढ़ेगा, कोई बीमारी बढ़ेगी, इसलिए डांट कर उनको मैंने भगाया यहाँ से, भी जाइए अपनी पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई अपना विद्यार्थी हो, फिर घर जाकर पढ़ाई करो, बिना सीधी बातों में स्वयं व्यर्थ मना करें अपना। तो पुलिस ने आज पहली बार कार्रवाई की है, करती रहती है? ऐसा अक्सर करती रहती है हमारी पुलिस, हमारे अफसर आदेश देते रहते हैं, करते रहते हैं। क्या लगता है इससे कुछ रोकथाम हो पाएगी? हम तो अपनी कोशिश करेंगे रोकथाम के लिए, हमारी कोशिश रहती है कि रोकथाम की जाए, बढ़ावा ना मिले इसे, विद्यार्थियों को अंकुश लगाया जाए।